दुनिया में हर इंसान कुछ भी कर सकता है। कोई किसी को पता था जिस व्यक्ति को पढ़ने स्कूल में नहीं दिया गया, स्कूल के बाहर रखा गया, स्कूल का पानी पीने नहीं दिया, वह व्यक्ति इस देश का संविधान रच के चला जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। तो परिस्थितियां सबके साथ एक जैसे होती है। कभी किसी की पानी में गिरने से मौत नहीं होती, मौत उसकी होती है जिसे तैरना नहीं आता। आपको पता है भीमराव अम्बेडकर दलित जाति से आते थे, उन्हें लोग अछूत समझते थे, कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, कहते थे तुम चमार जाति के। लेकिन वो व्यक्ति पढ़ लिख कर इतना आगे चला गया, इतना आगे चला गया, कहा जाता है ना कि काबिल इतना बनाओ खुद को कि तुम्हें रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़ेगी। बाकी सब चीज उनकी बहुत बेहतरीन थी। भीमराव अम्बेडकर साहब की जो सोच थी ना, वो 200 साल आगे का बात बोलते थे, और जो उनका विरोध करते थे ना, वो 200 साल पीछे है। समझा गया? ट्रक का माल टेम्पू में लोडे नहीं होता। समझा गया कि नहीं? बस अब भीमराव अम्बेडकर को समझने की क्षमता सब में नहीं है। वो जो भी बातों को बोला उन्होंने, वो 100-200 साल आगे तक का सोच के बोला। आई तो तू नहीं बकलेल बकलेल भीमराव अम्बेडकर पे सवाल खड़ा करता है, ये तेरा कौन सी पता है? जितने लड़के कमजोर है ना, हम तो देखते हैं अक्सर वही इतिहास रखते हैं। शुरुआत में जिन्हें भगाया गया स्कूल से, भीमराव अम्बेडकर पढ़ने में तो खराब नहीं थे, लेकिन क्लास के बाहर बैठाया गया। एल्वा एडिसन बल्ब की खोज की, उनको लोग मजाक बनाते थे स्कूल में। जितने लोग जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसने इतिहास रचा है।